नमस्कार, मैं नीरज, आप देख रहे हैं BSNSN न्यूज़। आज हम डॉक्टर अंबेडकर महाविद्या विहार, जिसको आज धम्मभूमि के नाम से पूरे देश के लोग जानते हैं, आज हम मलोखड़ा हतीन रोड पर आए हुए हैं और हमारे साथ ऐसी शख्सियत हैं जो काफ़ी लंबे समय से समाज में कार्य कर रहे हैं। प्रोफेसर रुमाल सिंह जी, जो कि लेक्चरर पद से रिटायर हैं, आज हम उनसे जानेंगे कि धम्मभूमि का निर्माण कैसे हुआ और धम्मभूमि की नींव कब रखी गई। सर, BSNSN न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद नीरज बोध जी। धम्मभूमि, जैसा आप समझ रहे हैं कि जो धम्मभूमि के नाम से आज जाना जाता है, ये डॉक्टर अंबेडकर महाविद्या विहार की शिलान्यास के तहत इसको तैयार किया गया था। इसका शिलान्यास 22 अक्टूबर 2004 को किया गया था और अपनी शिक्षा व्यवस्था स्थापित करने के लिए दृढ़ संकल्पित डॉक्टर राहुल, जो अपने देश में अपनी शैक्षिक व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे, वो इसके लिए बहुत ही कठिन कार्य के साथ और बहुत उत्साह के साथ लोगों के साथ के से मिले और बहुजन समाज ने इसको अपने हाथों से इसका शिलान्यास किया। इसमें कोई किसी प्रकार का राजनेता नहीं बुलाया गया, ना ही किसी राजनेता के द्वारा इसका शिलान्यास हुआ, क्योंकि डॉक्टर राहुल ने एक घोषणा की थी कि जब भी हम अपनी शिक्षा व्यवस्था स्थापित करेंगे तो अपने बहुजन समाज के कर कमलों से इसका शिलान्यास करेंगे और इसका उद्घाटन भी बहुजन समाज के लोगों द्वारा ही किया जाएगा। ये दृढ़ संकल्पित थे। प्रोफेसर साहब, जब धम्मभूमि का निर्माण किया गया तो उस समय बताया गया था कि साइकिल यात्रा का भी शुरुआत की गई थी, जिस प्रकार साहब कांसीराम जी ने पूरे देश में बहुजनों को जगाने के लिए एक साइकिल यात्रा निकाली थी, उसी प्रकार धम्मभूमि को बनाने के लिए भी साइकिल यात्रा निकाली गई थी। तो उस समय कितने लोग आपके साथ थे? उस समय पूरे हरियाणा में जब डॉक्टर राहुल ने आह्वान किया कि अपनी शिक्षा व्यवस्था स्थापित करेंगे, तो जून के महीने में हमने जब छुट्टियां थीं उस समय साइकिल यात्रा का कार्यक्रम शुरू किया और पूरे हरियाणा में चारों दिशाओं से चले। जो कालका से डॉक्टर राहुल चले थे और 22 जून को हमने वो यात्रा पूरी की रोहतक में। उसके बाद आह्वान किया कि अपनी शिक्षा व्यवस्था स्थापित करने के लिए पहला कॉलेज हम पलवल में बनाएंगे और उसी के तुरंत बाद ही यहाँ ज़मीन देखने का कार्य किया और ज़मीन टीम के साथियों ने यहाँ ज़मीन देखी और ज़मीन देख करके उसका सौदा किया और ये कह दिया था कि 22 अक्टूबर 2004 को हम उसका शिलान्यास करेंगे अशोका विजय दशमी को। तो उस दिन बहुजनों के द्वारा, बहुजनों के कर्मों से इसका शिलान्यास हुआ। किसी राजनेता को नहीं बुलाया गया था, ये कमिटमेंट डॉक्टर राहुल ने की थी कि हम किसी नेता को नहीं बुलाएंगे किसी भी कार्यक्रम में। तो सर, उस समय जब आपने धम्मभूमि का निर्माण नींव रखी थी तो कितने लोग थे आपके साथ? नींव रखी थी, 25,000 लोग यहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने अपने कर कमलों से इसका शिलान्यास किया था। सर, जब आप समाज में सहयोग के लिए गए तो आपको समाज ने कितना सहयोग किया था? देखो, निर्माण कार्य के लिए जब हम समाज में गए, बंती राहुल की, डॉक्टर राहुल की जो वो टीम थी, वो हर गांव में गई
और हर गांव में जाकर के उनसे अपनी शिक्षा व्यवस्था के स्थापना के लिए उनसे सहयोग किया। हर किसी ने सहयोग दिया। एक गांव है, उस गांव में हम गए, एक महिला जो खेत नराया करती थी, अब वो नराई करने गई थी, वो अपनी जेब अपने पल्ले में 50 रुपये का नोट बांधे हुए थी। हमने जब उसको ये बताया कि हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था स्थापित करनी है और हम अपने बच्चों को शिक्षा देंगे, तो उसने तुरंत ही अपने पल्लू से रुपए निकाले, 50 रुपये का नोट था, उसने कहा ये मेरा। तो हर व्यक्ति ने इसके निर्माण के लिए सहयोग किया। ये केवल और केवल बहुजन समाज के सहयोग से बनी हुई है, इसमें कोई राजनीतिक सहयोग नहीं है, किसी नेता का, किसी सीएम का, पीएम का कोई इसमें सहयोग नहीं है, केवल और केवल बहुजन समाज के पैसे से ये निर्माण किया गया है। तो धम्मो में बहुजन समाज की एक ऐतिहासिक धरोहर है जो कि पूरे भारत में समाज के लिए कार्य कर रही है, और भंते डॉक्टर करुणाशील राहुल जी इसको काफ़ी लंबे समय से लेकर चल रहे हैं और धम के क्षेत्र में काफ़ी कार्य कर रहे हैं। तो ये थे प्रोफेसर रुमाल सिंह जी, जिन्होंने धम्मभूमि के बारे में बताया और धम्मभूमि के इतिहास के बारे में बताया। तमाम खबरों के लिए बने रहिए BSNSN न्यूज़ पर। धन्यवाद।